5 4 3 2 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल नारे लगाने से ही काम नहीं चल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर गंभीरता पूर्वक विचार करें। कम से कम देश के हित के मामले पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार गंभीरता के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो गया है और देश में ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस प्रकार के तत्वों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर सदन के सभी सदस्यों को सहयोग और विचार विमर्श से काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि विरोधी दल राष्ट्र की मूल समस्याओं को अनदेखा करके दूसरी छोटी छोटी बातों को अधिक महत्व देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर और भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर हमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश एक तरफ तो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर हमारी सीमाओं पर विवाद जारी रखे हुए हैं। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाले दलों का गठन हो रहा है। इन तथ्यों का मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना होगा। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो प्रश्न खड़े हुए हैं वे ऐसे हैं जिनके बारे में अलग अलग राय नहीं हो सकती है। आज देश के अंदर क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। देश में लोगों के ऐसे वर्ग हैं जिनकी प्रगति दूसरों के मुकाबले में बहुत कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर एक असंतोष की भावना पनप रही है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है। मैं तो यह भी महसूस करता हूँ कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए हमारी सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे आज इस विषय पर बोलने का जो अवसर मिला है, मैं उसके लिए सभापति जी का बहुत आभारी हूँ। इस अल्फाज के साथ में सभी विरोधी दलों से अनुरोध करूँगा कि जो प्रस्ताव वे सदन के समक्ष लाए हैं उन पर फिर से विचार करें। हम एक महान देश के नागरिक हैं। हमें उसकी महानता के अनुसार ही कार्य करना है। तभी हम अपने देश की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं।